नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर विचुच ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। सर्बिया का भारतीयों के लिए वीजा प्रक्रिया सरल बनाने का आश्वासन। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए गृह मंत्री आज शाम उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद संवेदनशील सरकारी दस्तावेज रखने के मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अभियोग लगाया गया। जर्मनी के सुहोल में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में भारत शीर्ष पर रहा। फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष एकल सेमीफाइनल में आज कार्लोस अल्काराज का मुकाबला नोवाक जोकोविच और जबकि कैस्पर रूट का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच द्वीपक्षीय व्यापार को इस दशक के अंत तक 32 करोड़ यूरो से बढ़ाकर 1 अरब यूरो करने पर सहमत हुए हैं। यह जानकारी कल बेलग्रेड में विदेश मंत्रालय ने दी। राष्ट्रपति 7 से 9 जून तक सर्बिया की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर है। भारत सर्बिया संबंधों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा ने बताया कि इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों पक्षों के बीच संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच मूल हितों की आपसी साझेदारी है। इससे पहले मीडिया को दिए गए एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति मुर्मू ने शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के सकारात्मक परिणामों और दोनों देशों के बीच संभावित सहयोग के विविध क्षेत्रों पर कार्य करने के निश्चय का उल्लेख किया। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने भी भारतीयों को वीजा जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का वादा किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच हवाई उड़ान जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे दोनों देशों के बीच पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के अलावा 3 भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ एसोचैम, फिक्की और CII के सदस्यों वाले उच्च स्तरीय व्यापार मंडल के सर्बिया के व्यापार मंडल के साथ बातचीत भी हुई। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल माउंट अलावा के शहीदों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। माउंट अवाला में उनका औपचारिक स्वागत किया गया और सम्मान गारद भी दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू 4 से 9 जून तक सूरीनाम और सर्बिया के राजकीय दौरे को पूरा कर आज स्वदेश लौट आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने प्रशासन में क्रांतिकारी बदलाव और नागरिकों तक सेवा पहुंच में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी से लोगों की कार्य क्षमता बढ़ी है और जीवन यापन सुविधाजनक हुआ है। इससे देश को डिजिटली सशक्त बनाना संभव हो रहा है। विकास के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के 9 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने ट्विटर पर आलेख, वीडियो, ग्राफिक्स और अन्य जानकारी साझा की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए शिक्षाविदों से जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन की अपील की है। उन्होंने आज जालंधर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्कूली शिक्षा में हाल की प्रगति पर 3 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस शिक्षा महाकुंभ का आयोजन पंजाब के सर्वहितकारी शिक्षा समिति ने NIT जालंधर और अन्य प्रमुख शिक्षण संस्थानों के सहयोग से किया है। सर्वहितकारी शिक्षा समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति काफी विस्तृत और गहन विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है। यह युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देती है। इसमें प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में केंद्र सरकार राष्ट्रहित के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की पहली महिला हज उड़ान ने गुरुवार को सऊदी अरब में कोझिकोड से जेहाद के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी। यह उल्लेखनीय उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय बजट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी महिला चालक दल द्वारा संभव हुई।
चालक दल ने उड़ान के दौरान भारतीय हज समिति की पहल के रूप में विशेष रूप से महिला यात्रियों को शामिल करने सहित सभी महत्वपूर्ण ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाली। फ्लाइट संख्या 1X3025 ने कोझिकोड से सऊदी अरब में जेहाद के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान में कुल 145 महिला हज यात्री सवार थी। चालक दल का नेतृत्व कैप्टन कनिका मेहरा ने किया और प्रथम अधिकारी के रूप में गरिमा पासी ने पूरी उड़ान के दौरान कुशलतापूर्वक विमान का संचालन किया। उनके साथ समर्पित केबिन क्रू सदस्यों की एक टीम थी जिन्होंने पूरी यात्रा के दौरान यात्रियों के आराम और सुरक्षा को सुनिश्चित किया। हज कमेटी की यह अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं को विशेष अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। एयर इंडिया ने निरंतर कार्यस्थल पर स्त्री पुरुष समानता को प्रोत्साहित किया जा रहा है और समूचे विमानन उद्योग में 50% महिलाओं को कार्यबल को शामिल किया है। सरकार ने वर्तमान ओलंपिक के लिए अब तक 450 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। यह राशि प्रशिक्षण उपकरणों और अन्य सुविधाओं पर व्यय की गई है। आवश्यकता होने पर सरकार और अधिक सहयोग देगी ताकि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत नए रिकॉर्ड बना सके। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कहा कि भारत ने पिछले ओलंपिक पैरालंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है। समारोह का आयोजन इसी महीने बर्लिन में होने वाले विशेष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2023 के लिए 198 भारतीय खिलाड़ियों की टीम भेजने के अवसर पर किया गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए लक्षित ओलंपिक पोडियम योजना शुरू करने के साथ खेल के लिए बजट बढ़ाया गया है। केंद्र ने एशियाई खेलों की तैयारी के लिए अब तक 220 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किए हैं। खेल मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस वर्ष चीन में होने वाले एशियाई खेलों में भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। पूर्वी मध्य अरब सागर पर बना चक्रवात बिपरजॉय पिछले 6 घंटों के दौरान उत्तर दिशा की ओर मुड़ गया है। अभी यह गोवा से लगभग 840 किलोमीटर और मुंबई के 870 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम तथा पोरबंदर से 870 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है। अगले 36 घंटे के दौरान इसके और सघन होकर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने मछुआरों को पूर्वी मध्य और पश्चिमी मध्य अरब सागर में इस महीने की 12 तारीख तक नहीं जाने की हिदायत दी है। उत्तर और मध्य अरब सागर में 12 से 14 जून तक नहीं जाने की सलाह दी गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद संवेदनशील सरकारी दस्तावेज रखने की संघीय जांच से उभरे उत्पन्न आरोपों को लेकर अभियोग लगाया गया है। सैकड़ों सरकारी दस्तावेज रखने और झूठे बयान देने के साथ संघीय आपराधिक आरोपों पर यह अभियोग लगाया गया है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने पद पर रहते हुए व्हाइट हाउस से महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर उन्हें फ्लोरिडा में अपने मार ए लागो रिजॉर्ट में रखा। अभियोग में यह भी आरोप लगाया गया कि ट्रंप ने जांच में हस्तक्षेप करने की कोशिश करके न्याय में बाधा डाली। अभियोग औपचारिक रूप से लगाया गया आरोप है कि व्यक्ति ने अपराध किया है। यह महान्यायपीठ द्वारा जारी दस्तावेज है। सुहल जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप निशानेबाजी में भारत 6 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य पदक सहित 15 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत के जूनियर ट्रैप निशानेबाजी पदक दौड़ में जगह नहीं बना सके। महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में सैनियम, पुरुष 10 मीटर एयर राइफल में धनुष श्रीकांत, पुरुष 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा में अमनप्रीत सिंह, 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में अभिनव शाह और गौतमी भनोट, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम में गौतमी, स्वाति चौधरी और सोनम मस्कर तथा महिलाओं की 25 मीटर पिस्तौल टीम स्पर्धा में मेघना सादुला, पायल खत्री और सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने स्वर्ण पदक हासिल किए। भारत 2019 से अब तक आयोजित सभी ISSF जूनियर विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्करेज ने यूनान के स्टेफनोस
सिटसिपास को 6-2, 6-1, 7-6 से हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। नमस्कार।